दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, हो जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं। तमाम सारे लोग यहां पर अपनी बात कहने के लिए आते हैं, रोज आते हैं, हर दिन यहां पे मौजूद रहते हैं। मैंने इस बात से कभी इंकार नहीं किया कि ये शो आपका है, आपके लिए है और आपकी बात के लिए है। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है और जो बहुत प्रमुख तौर से कहा जाना चाहिए वो ये कि एक डिसिप्लिन तो जरूर होता है और वो डिसिप्लिन ये होता है कि आपको बात तरीके से और कायदे से ही कहनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप आए और कहें कि नहीं हमें तो आसमान में चढ़ के बोलना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। आपको तो आना यही पड़ेगा और उसी डेकोरम में बोलना पड़ेगा। जो तरीका है ये मंच लगभग 3.5-4 साल की मेहनत के बाद बनाया गया है और इसमें जितना पसीना मेरा गिरा है उससे ज्यादा पसीना आपका है, लेकिन तरीका यही है। ये हो सकता है कि एक तरीका यह हो कि मैं यहां बोल रहा हूं और आप वहां पर सुन रहे हैं, लेकिन यह सच है कि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना मैं। अगर आप चले जाएंगे तो मेरा कोई अहमियत नहीं है, यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हां हम भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह माइक आपकी बात उठाने के लिए ही है, लेकिन हां मैंने हमेशा कहा कि यह डेकोरम है और यह एक मेंटेन करना पड़ेगा। आप यह कहें कि नहीं मैं इस दीवार पर चढ़ के बोलूंगा तो यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आपको उसी डिसिप्लिन में उसी तरीके में आना पड़ेगा और ये होता है अक्सर। कोई कहता मैं लगातार 5 दिन से आ रहा था लेकिन मेरा बारी नहीं आई, मैं बोल नहीं पाया, इसका अफसोस है मुझे, लेकिन ये बात सच है कि अगर मुझे पता चल गया कि ये सज्जन आए हैं और कहीं दूर से आए कोई बात कहने आए हैं तो मैंने इनको पीछे रखा, हमेशा इनको पीछे रखा। ये 10 हों 12 हों 1 हों 4 हों इनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी को सुनने के लिए आता हूं मैं। एक बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है तो मैं यहाँ पे जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराऊं उस पर वक्त होगा, लेकिन इससे पहले लिहाजा जो आए हैं उनको विदा करना बहुत जरूरी है क्योंकि भीड़ जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी निपटे वो ज्यादा अच्छा। जी जनाबा ले आए, कौन खो गया? अच्छा हम एक बुजुर्ग हैं जो हाँ। कि आपको पहले भी मैं बता दूं ये जब भी आते हैं तो इनका चेहरा मैं जब भी देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि कोई शख्स खो गया है और उसके बारे में ये इत्तला करने आए हैं। तो कौन खोया है? ये माता जी जो है ना अपने गांव से आ रही थी और रास्ते में इनकी बेटी रहती है दिल्ली में हाँ। लेकिन बेटी का पता ठिकाना नहीं मिल रहा है तो इनको मंगोलपुरी थाना के पुलिस ने साई वृद्ध आश्रम में जमा किया। इनको आपके आश्रम में? आश्रम में जमा किया। क्या नाम है माता जी? सुदामा देवी। सुदामा देवी बेटी कहाँ? दिल्ली में रहती है हाँ। तो आपके पास तो अक्सर ऐसे लोग आते हैं और फिर वो पहुँच भी जाते हैं? पहुँच भी जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ना मैं जब दिखाता हूँ तो ये चले जाते हैं। इनका नाम है सुदमिया। सुदमिया? हाँ सुदमिया हाँ। अब पति का नाम है चतुरचंद। चतुरचंद हाँ। रहने वाली कहाँ की है? फुलवरिया। फुलवरिया हाँ, फुलवरिया हाँ। फुलवरिया के हैं ये और इनका गांव का नाम है बिरसा। बिरसा है ना माता जी?
गांव बिरसा है ना, फिर कौन से गांव? फुलवरिया गांव फुलवरिया है, थाना भी फुलवरिया है। बेटी नहीं मिल रही है? बेटी नहीं मिल रही है दिल्ली में, ख्याला के साथ ख्याला साइड बता रही है, लेकिन मैंने पूरा खोजबीन किया नहीं मिल रही है। तो एक काम करिएगा कि अब रोज तो माता जी कैसे आ पाएंगी, लेकिन जब भी मौका लगे ले आइएगा। खाने पीने की तो दिक्कत आपके आश्रम में होगी नहीं? ना ना, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना पीना खिलाइए। ऐसे 60 आदमी है, रोटी रोज खाते हैं, इलाज भी होता है। मरते हैं तो शमशान घाट भी पहुँच जाते हैं। लेकिन इससे पहले माता जी बिटिया मिल जाएगी? कईयों को मिली है, मिल आपको भी जाएगी बिटिया? और प्रयास होगा तो जरूर पहुंच जाएंगे। हमारा प्रयास क्या, आप ही का प्रयास है। आप ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, वो चेन तभी बनेगी जब आप होंगे और हम होंगे, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो वो चेन बन जाएगी। इनकी बेटी को खोजने का प्रयास किया जाएगा। पाजी जरूर बातचीत की जाएगी, सिलसिला जोड़ा जाएगा। लेकिन जो मेहमान आज मौजूद है उनसे हम तारुफ भी कराएंगे। और आज का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त, लोगों ने कहा कि लोगों की गिरफ्तारी, लोगों का चाहे, लोगों ने तो यहां तक कहा कि हां जी आप जाएं, कि 370 का मसला इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी के मसले से सरकार ध्यान बटाना चाहती है। तो आज मुद्दा बेरोजगारी पर ही है, बेरोजगारी पर ही बात करेंगे, कंपनियों पे बात करेंगे और वो तमाम सारे मुद्दे जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन हां, मुझे मालूम है उससे पहले पी चिदंबरम पे मुद्दा जरूर आएगा, बातचीत आएगी। और अभी जो खबर आने वाली है उसमें डेवलपमेंट है, मैं उसका भी ताजा जो कुछ भी होगा हाल उसको अपडेट करेंगे। लेकिन बेटी पढ़ाओ तो समझ में आता है, बेटी को मरवाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की शादी करो, ससुराल वालों से बेटी को मरवाओ, ये मुद्दा क्या है? एक नौजवान सामने खड़ा है, मैं उसे मैंने कहा नियम एक ही तरीके से लगेगा। जब नौजवान हाथ में पोस्टक थाम के ये खड़ा हो, जिसको करना ये चाहिए कि हाथ में रोजी हो, कलम हो और हाथ में ये पोस्टर हो, तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? हमारी बहन का मर्डर हुआ, उसकी शादी हुई, उसके ससुराल वालों ने उसका मर्डर किया। आपने रिपोर्ट लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाई, पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन आपने शादी में दहेज भी दिया होगा? पापा हाँ जी बिल्कुल दिया गया। दिया? बिल्कुल 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 दिया। ये ठीक था देना? गलत है जी, गलत है। लेकिन शादी हो नहीं सकती थी वैसे, क्या करें फिर? वो तो रीति रिवाज है सर, मैं जब पूछूंगा आपके पास आऊंगा। वो तो रीति रिवाज है, रीति रिवाज है। मुझे पूरी सहानुभूति है। और ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ऊपर वाला आपको वहां तक पहुंचाए, किनारे तक पहुंचाए, और आपकी बहन के साथ अगर आपका इल्जाम सही है तो उसको न्याय मिले, ये मेरी कोशिश होगी जी। 3 महीने हो गया जी, 16 मई को डेथ हुई थी और आज का दिन देख लो, 2 महीने हो गए घर से फरार है, बापू बेटा नहीं मिले, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस हरियाणा की पुलिस इतनी गंदी है जिसमें की बीजेपी का हाथ है। हमारा स्पीकर कंवरपाल गुज्जर, देखिए एक मिनट मैं एक बात कह रहा हूँ, आपकी लड़ाई मैं आ गया, देख लिया बेटा, आ जाओ, मैंने आपको देख लिया और मैंने आपकी आपकी बात को भी, और जिसकी बेटी गई हो उसके क्रोध, उसकी उसका दुख को अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये फोरम किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने का जरूर हक है, तो आप अपनी बात कहिए। बेटी के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ ये मैं जानना चाहता हूँ। इंसाफ तो है, हुआ ही नहीं सर, उनका गला काटा है, बिल्कुल गला काट दिया उसका। मैं चाहूंगा मूवी दिखाता हूँ मैं आपको उसकी। नहीं मैं नहीं देखना चाहूंगा। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ गया जाओ। मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो आप तमाम सारे लोगों को लेकर आए हैं, आपके साथ न्याय हो, जो ये तरीका लेके आए हैं इस पोस्टर को, इस बैनर के जरिए, ऊपर वाली लाइन ही मेन है, अहम है। और मुझे मालूम है कल एक महिला मेरे पास आई थी, आ गया हो तुम भी, आ गया हो मेरे पास आई थी और कुछ बात यही कहने आई थी अपनी बच्चियों के साथ। हाँ भैया जी, मैं कहा न्याय थे कि मेरे पति काम हम नहीं करते हैं और पीते हैं, मैं अपनी बच्चों को जिलाना बहुत मुझे भारी पड़ रहा, मेरे ससुराल में भी मैं नहीं देख पाए हैं, बारिश वारिश आता है, मुझे कोई हाथ हलम नहीं है, मैं अपने बच्चे कैसे पढ़ा। कल मेरा प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो ये महिला मेरे पास मुझसे मिलने आई, कहने लगी मुझे रोजी रोटी, मेरी 3 बेटियां हैं। सवाल ये होता है कि प्रोग्राम आखिर करते काहे के लिए है, हम किस लिए प्रोग्राम करते हैं? अब सवाल उठता है बड़ा, आखिर प्रोग्राम किया क्यों जाता है? लड़ाई झगड़े करने के लिए जो अभी हो रहा था, ये इसके लिए करता हूं मैं? अरे भाई आपके तो बहुत गर्मी रहती है। ना 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 ना, ना। इसके लिए नहीं प्रोग्राम करता हूं। सवाल है कि प्रोग्राम करता क्यों हूं? प्रोग्राम ये था कि मैं ये सच बताऊं आपसे, मेरा बस चले तो ये जो लोग मेहमान आए इनको मैं ऐसे ही बैठाए रहूं, और ऐसे ही बैठाने के बाद बगैर सुने इनको यहीं से यूं ही विदा कर दूं। सवाल यह है कि 3 बच्चियां खड़ी हैं, ये मुझसे प्रोग्राम के आखिर में मिली थी, आके रो रही थी। मैंने पूछा कि आप प्रोग्राम में मेरे पास क्यों नहीं आई? बोली मैं तब वहां तक पहुंच नहीं पाया और आपको प्रोग्राम में देख रही थी, सोचा मैं यहां तक आपके पास आ जाऊं और आपसे मिलूं आके। कल बहुत रो रही थी। काम क्या कर सकती है बहन?
मैं पढ़े लिखे तो नहीं है, पर मैं ऐसे कोई मुझे काम दे दीजिए कि मैं बगैर पढ़े लिखे वाला मैं काम कर सकूं। तुम्हारा पति तुम कहते हो शराब पीता है? हाँ शराब पीते हैं। मायके में ससुराल में? मायके में मेरी एक भाई है, 5 बहन, हम गरीब के एक मजदूर के लड़की हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते करते डेट करके 5 बहन थे, मेरे पापा माँ पढ़ा नहीं पाए हमें। और मुझे ऐसा कृपा करिए कि हम अपने बच्चों के अपने जैसे नहीं, कम से कम अच्छा इसको बना सकूं, 3 लड़कियों के मैं अपनी अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे ये लोग के शिक्षा सिखा सकूं। मुझे कहने में जरा सा भी बेहिचक, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं शो इन तमाम जैसे बच्चों के लिए और आप जैसे लोगों के लिए ही करता हूं, और इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है। मैं करता ही इसीलिए हूं और चाहता हूं कि ये सब लोग देखें, सुने और अपने आसपास के पड़ोस को जानने की कोशिश करें। लो बहन, जो कुछ मेरे बस में है, जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, जो मेरे बस में है जितना कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। बाकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी ये समाज को भी सोचना है और समाज के आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी सोचना है। ये अकेले से तो नहीं हो सकती, और दूसरी बात ये सरकार से भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुमने जो बात कही, एक सेंटेंस बोला ना, इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ और आपने कहा कि मेरे बाप आप मुझे पढ़ा नहीं सके। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए हुजूर अली, एक ने कहा कि बेटी पढ़ाओ और एक ने कहा कि मेरे बाप बाप मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसका अफसोस है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। एक ने कहा कि पढ़ने के बाद ससुराल में दहेज की भेंट चढ़ गई, एक कहती है कि कम से कम इतना तो बना दीजिए कि जो मैं नहीं कर पाई कम से कम समाज में खड़ी हो जाए। और आज का मुद्दा इसी से जुड़ा है। परेशान मत होना, मैं ब्रेक के बाद और इसके प्रोग्राम के बाद बात करूंगा तुमसे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। मनोज यादव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली साहब और शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ऐसे ही किसी महिला की हेल्प की थी और वो यहां आई थी और उसने कहा था मुझे कोई काम दे दीजिए, किसी तरह का कोई काम, और मैं इन्होंने अपने ऑफिस में उसको काम दिया। एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शरद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष इतिहास सोसाइटी, बड़े संजीदा आदमी है, बहस में हिस्सा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद हाशमी साहब। कुछ देर में डॉक्टर सौरभ भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जेएनयू से तशरीफ लाएंगे। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, यंग आदमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जानना चाहूंगा कि सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सवाल है हमारे सबके सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद यासिर जिलानी साहब मौजूद है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपक झा साहब अभी नहीं आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं, लगभग 21 बरस इस हम लोग ने साथ साथ पत्रकारिता की है, कभी कभी आ जाते हैं लेकिन आके दूर खड़े रहते हैं, कुर्सी उधर उधर खड़े रहते हैं। मैंने कहा उतनी दूर क्यों खड़े रहते हैं? बोले ये जो तुम्हारा शो चलता है वो तो देखते चले जाते हैं। मैं कहा ना, आज आप बैठिए, पॉलिटिकल एडिटर हैं, जो खबरें आप देखते हैं न्यूज में वो कैसे कहां कैसे संचालित होती हैं उसका दारोमदार इनके ऊपर है। खड़े हो आज, थैंक यू सो मच अमिताभ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे बीच में मौजूद हैं, खबर मैंने कहा कि आज का मुद्दा मैं आऊंगा आपके पास, शुक्रिया। मैंने कहा कि आज का ये सवाल है सबसे बड़ा कि बेरोजगारी, लोग कह रहे हैं मंदी का दौर चल रहा है, और कांग्रेस ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने पॉलिटिकल एक नेता की गिरफ्तारी कर, ये सवाल है, इसी मुद्दे से बातचीत हम शुरू करना चाहेंगे। जनाबे अली जी, मसूद साहब देखिए, सबसे पहले मैं आज जो अपनी बात का इफ्तिता करूं, आगाज करूं, इस बात से करता हूं, हाँ। कि मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का और अपना प्रधानमंत्री मानता हूं। वेरी गुड, मुझे उनसे उम्मीद हो ना हो लेकिन देश को बहुत उम्मीद है। इतना निराश क्यों हैं आप भाई? इस वजह से निराश हूं कि 6 साल गुजर चुके हैं, ये हालत नई है, हाँ। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से देश का यही हाल है, मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं, कहीं कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए, लेकिन ये नौजवान जो आज मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे या कश्मीर के नाम पे बहुत उत्साहित हो जाता है, वो एक न एक दिन आपका गिरेबान पकड़ेगा। और जनता को पूरा अधिकार है, पूरा हक है, क्योंकि जनता ही आपको बनाती है और जनता ही आपको बिगाड़ती है। ठीक है, मनोज को देता हूं। देखिए मेरे भाई जो बोल रहे हैं, देखिए 2019 का चुनाव हुआ, जनता ने हमें चुनके भेजा, आप ही भाइयों बहनों ने चुनके भेजा, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताया है और निश्चित रूप से जो कर रहे हैं वो देश हित में है,
और ये जो अलीबाबा 40 चोर जो गैंग चला हुआ है, जो देश के खून पसीने के कमाई को, काढ़ी कमाई को ने लूटा है, धीरे धीरे करके जो बेल पर थे वो अब जेल में जाने लगे, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। और केवल मैं बता दूं, ये हाहाकार जो कांग्रेस में मचा हुआ उसका एक ही कारण है, अब वो सोच रहे हैं, कपिल सिब्बल सोच रहा है अब नंबर अगला किसका, ये कारण है, इसलिए हाहाकार मचा हुआ है पूरा कांग्रेस के अंदर। और देश में ईज ऑफ डूइंग में आप भारत 77वें स्थान पे है, देश की अर्थव्यवस्था 6ठी अर्थव्यवस्था बन गई है, देश आज विश्व में परचम लहरा रहा है, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से लहरा रहा है। मैं कोई अपनी, ये तो लोग झूठ बोलते हैं लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, देश जो है 90वें नंबर पे चली गई जीडीपी, ये सच्चाई है। और आप बात करते हो घोटालों की, आपने कहा था, कहा है बाबा रामदेव जिसने कहा था कि डॉलर जो है 1 रुपए आ जाएगा, आज डॉलर नरेंद्र मोदी की उम्र पार कर चुका है। कहा है वो लोग जो कहते थे कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे 100 दिन में, हम लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे। कहा है वो लोग जो कहते थे कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। कहा है वो लोग जो कहते थे कि पहले देश में आ जाएगी, पहले हम होंगे। देखिए इनके एक ही सवाल का, कहा है वो लोग, वो लोग उन लोगों को पकड़ने में लगे हैं जो लूट के भारत को, जिन्होंने भारत को लूट के भारत को बर्बाद कर दिया था, उन्हें पकड़ रहे। उसी में एक नाम है, उसी में एक नाम है चिदंबरम, उसी में नाम है चिदंबरम। आईएनएक्स में 3500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुनिए, देखिए ये इन्होंने कैसे शुरुआत करी, इन्होंने शुरुआत करी कि पता नहीं क्या हिंदुस्तान में हो गया, नौजवान खड़े हैं यहाँ पे, आप नौजवानों से पूछिए जाके कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आज के डेट में इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इन्हें लगता है मैं आया। हाँ। देखिए जब जो है उस समय पे जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ करके हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी में। पढ़ने के बाद में हम विधानसभा में जो है उत्तर प्रदेश की असेंबली कंडक्ट करने के लिए जाते थे, वहां के थ्रू तब नौकरियों पर रख लिया जाता था। हमने सोचा हम लोग भी रख लिए जाएंगे, हम 35-36 लोग, और हमारे जैसे तमाम वो उस समय के पढ़े लिखे लोग थे जिनकी आज उम्रें निकल गई और किसी को भी कहीं नौकरी नहीं मिली, हम सब सफर रहे। और आज हमारे यहाँ अर्निंग ऑफ रिसोर्सेस कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ डिप्टी स्पीकर विधानसभा उत्तर प्रदेश रहे, उनके बल पे हमने सोचा कि शायद हमें मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके बाद कांग्रेस ने 18 साल के बच्चों को लॉलीपॉप दिया कि आपको जो है 15,000 रुपए जो है वो 1500 रुपए जो है पर मंथ आपको वहां मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उनको भी कुछ नहीं मिला और हम सब पढ़े लिखे जो बंदे थे वो आज भी सड़क पे एक जो है, यानी आप कह रहे हैं कि आप लोग उस दौर की मारी हुई हैं। जी हाँ, इतना भाड़े ठीक है। हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अफगान लेट मी, आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, जिस इलाके से आप आते हैं जामा मस्जिद से, वहां की हालात बता दीजिए पिछले 30 साल में, अभी की बात मत करिए। एक नौजवान जिसे नौकरी हासिल करी, एक बंदा जिसने लोन हासिल किया, ब्लैकलिस्टेड थी जब तक यूपीए की सरकार थी जामा मस्जिद का इलाका, जहां से आप आते हैं आपने बदलाव नहीं देखा, आप महसूस नहीं कर रहे कि भारत बदल रहा है, आप बदल रहे हैं, नौजवान बदल रहा है। आज नौजवान खड़े होकर बात करता है आपको, नहीं तो सिर्फ बैरिंग की दुकान, पंचर की दुकान, कबाब की दुकान, ये यूपीए सरकार ने जामा मस्जिद में दिया है, ये दिया है सिर्फ काम नहीं दिया। देखिए जो अभी बाबिला मच रहा है, मैं तो केवल एक बात बड़े ज्यादा एहतराम से हाशमी साहब से भी कहूंगा कि ये पी चिदम्बरम जी से संबंधित सवाल है जो कांग्रेस यही तो कह रही है ना कि डायवर्ट किया जा रहा, 8-9 दबंग वकील, बड़े कद्दावर वकील कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं, तो अगर लीगली सब कुछ फिट है तो फिर अदालत का आदेश के बगैर तो सीबीआई नहीं ढूंढ रही है, सीबीआई तो अदालत के आदेश के बाद ढूंढ रही है। इस तरह का बयान जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडरों के जरिए दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि न्यायपालिका पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगा। आप मुकाबला कीजिए, आप आर्गुमेंट कीजिए, वहां आप अपनी बात रखिए। आपकी सरकार में यानी कि यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्रियों को अंदर किया गया, टू जी में अंदर हुए थे ना सर, तो वो फिर बाहर क्लीन चिट किसने दिया,
इसी अदालत ने दिया, इसी अदालत ने दिया, तो आप इसी अदालत में जाइए, जनता की अदालत में अब आपकी सुनवाई नहीं होगी। जिलानी साहब जो फरमा रहे थे, मैंने ये कब कह दिया, मैं कब मैंने किस प्रोग्राम में कांग्रेस के गुणगान कर दिए? हम तो शुरू से ये कहते चलाएं, जिलानी साहब सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, हम तो शुरू से ये कहते चलाएं कि मुसलमानों की बात मत करो, हिंदुस्तान में ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता है, फौरन हिंदू मुसलमान पहले आए। मैं बात कर रहा हूँ देश की जनता की, मैं बात कर रहा हूँ देश की जनता की, जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देश की। मुसलमानों की तो बात छोड़ दी है, मुसलमानों को तो ना कांग्रेस ने कुछ दिया, ना किसी ने कुछ दिया, ना हम लेना चाहते हैं, हम तो अपना कुआं खोद के खुद पानी पीते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये मुल्क के बाशिंदे हैं, हाँ तो उसी मुल्क की जमीन से तो पानी निकालते हैं, उसी मुल्क की जमीन से तो पानी निकालते हैं, वो कौन कह रहा है? हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि जो पिछली सरकार थी वो भ्रष्ट थी, वो कामचोर थे, वो दलाल थे, वो घोटालेबाज थे। आपने तो बहुत अच्छा कहा था अपने आपको, आपने तो कहा था हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने क्या किया इस बात का जवाब? क्या काम करते हैं सर? ये इकोनॉमी रिजल्ट आ नहीं रहे, कोई सर्वे नहीं आ रहा, और जितनी भी आप देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ही आप सारी जितनी भी दुकानदार हैं या जितनी मार्केट है वहाँ सर्वे कर लें, और उसके बाद आप इस चीज पे रिफॉर्म करें कि क्या चीज है। एक्चुअली में पॉलिटिकल इतनी हावी हो चुकी है, मीडिया भी पॉलिटिकल ही जा रही है, ना किसी मार्केट में जा रही है, ना किसी सर्वे कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके एक बार बताता सर्वे कर, ऑटो इंडस्ट्री से लेकर बिस्किट इंडस्ट्री का जो घूम रहा है, सोशल मीडिया घूम रहा है ना, तो ऑटो इंडस्ट्री से लेके बिस्किट वाला, बिस्किट से लेके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेकर कपड़े वाला, सब कुछ घूम रहा है, और हम तो मार्केट में ही खड़े हैं बाबूजी। हम मार्केट में भी क्या, बिल्कुल फुटपाथ पे खड़े हैं, और इससे नीचे क्या जाएंगे भाई, हम तो एकदम तार के पास खड़े हैं और छूना चाह रहे हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं, वक्त मैं कौन सा आदमी, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैंने आज अपने शो में दो लोगों को बुलाया है, एक पवन अग्रवाल जी को जो कि एंटरप्रेन्योर है, प्रभात प्रकाशन से आते हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा प्रभात जी आखिर कैसे और कैसे निपटा जाएगा, अगर ये मंदी है तो निपटा कैसे जाएगा, इसका कोई रोड मैप होना चाहिए, उस पर बात। भारतवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लोगों ने कहा कि आज का मुद्दा क्या है, मैंने कहा कि आज का मुद्दा, जैसे उन्होंने कहा कि चिदम्बरम साहब से शुरू हुआ, उनकी गिरफ्तारी पर बात हुई, कांग्रेस की इस बात पर कि मुद्दा ये, इस गिरफ्तारी का मुद्दा इसलिए क्योंकि सरकार रोजगार से जुड़े हुए सवालों को नहीं एड्रेस करना चाहती, उनसे भागना चाहती, उनसे मुड़ना चाहती, और तमाम सारे सोशल मीडिया पर, तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम सारी चीजें घूम रही हैं, चाहे वो बिस्किट इंडस्ट्री से कपड़ा उद्योग हो, कपड़ा उद्योग से लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेकर बीएसएनएल की बात हो, बीएसएनएल से लेकर तमाम सारे मुद्दे घूम रहे हैं। और ये बात सच है कि यहां पर तमाम सारे नौजवान यहां पर रोज आते हैं जी। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आप नौजवान हैं? ऑफकोर्स नौजवान है, तमाम सारे नौजवान आते हैं अपनी इस बात को कहने के लिए, साहब हमें नौकरी चाहिए, साहब हमने ये किया है, हमने इंजीनियरिंग की है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तमाम सारे इस तरह के मुद्दे पे। हमने आज बुलाया है पवन अग्रवाल साहब को, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम जानते हैं, बहुत सारी चीजों से वाकिफ हैं। मैं इनसे आज जरूर ये सवाल जानना चाहूंगा नौजवानों के लिए कि आखिर करें क्या। ये तो बात सही है कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो संकुचन है, और शरद इस बात को जानते हैं, लेकिन हाउ टू टैकल इट, मैं आऊंगा। लेकिन मेरे साथ कांग्रेस बात रखने के लिए हमारे साथ झा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे और इन जनता जनार्दन से माफी मांगूंगा कि मैं लेट हो गया, उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन अब आता हूं मुद्दे की बात पे। यहां लेट हो गए कोई बात नहीं, वहां ना लेट होना, टाइम पे ही रहना, हमेशा टाइम पे रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नेता वो क्या जो लेट हो गया? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप किस आधार पे सवाल कर रहे हो एक आदमी को जिसने देश की सेवा लगातार 40 साल से कर रहा है? एक ऐसी माँ, आप यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ, लेकिन ऐसी औरत कौन है जो अपने बच्चे को हत्या कर सकती है? कोई है? कोई नहीं है। तो उस औरत के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं जिसने अपने बच्चे की हत्या कर दिया है, उसके आरोप में वो जेल बंद है, उसको मोदी सरकार सरकारी
गवाह बना रही है जिसके आप एक बात बताइए सरकारी गवाह बना रही है और सरकारी गवाह क्यों बन रही है होने के बाद भी सब्र रखो मिलोट को अरे उन्होंने नहीं दिया सत्ताईस मनी लॉन्ड्रिंग का दो साल से आपने देखो दो साल से सीबीआई क्या कर रही थी सीबीआई क्या कर रही थी दो साल यासिर बहस का मतलब ये नहीं कि झा साहब कुछ बोलना चाहें आप उसको दबोच लें कसके और झा साहब ये भी नहीं कि यासिर कुछ बोलना चाहे आप उनकी गला जो है पकड़ के दबा दें ये नहीं प्लीज सवाल ये है कि आखिर सवाल उठे क्यों क्या क्या किसी पार्टी ने उठाए या कोर्ट ने उठाए प्रतीक जी ऐसा है सीबीआई क्या कर रहा है सवाल मैं आ रहा हूं मनोज प्रतीक जी दीपक जी ने कहा कि प्लीज दीपक जी एक तो लेट से आए और उसके ना आप बोलने दीजिए मेरी बात रखने दीजिए दीपक जी मेरी दीपक जी ने कहा कि एक ऐसी महिला कोई जलन नहीं बोलने दे प्लीज ऐसा है व्यक्तिगत टिप्पणी करना तो इनकी आदत है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप टिप्पणी करते रहिए अब मैं आपको बताऊं दीपक जी ने कहा कि एक ऐसी महिला जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी हो उसके बातें विश्वास नहीं कर सकते मैं तो कहता हूँ मानो तो ठाकुर ना मानो तो पत्थर लक्कड़ माला को आप लक्कड़ मान लें विश्वास की बात है श्रद्धा है नहीं इन्हें शक है मैं बता रहा हूँ मेरी बात मैं बताऊंगा दीपक जी मैं विषय रख रहा हूँ अपना मैं अपनी बात रख रहा हूँ मेरी बात पूरी करने दीजिए इन्हें मौका मिलेगा दीपक जी झा साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ बस ऐसा है मैं बता रहा हूँ दीपक जी ऐसा है कि इन्हें ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जुडिशरी के ऊपर इन्हें कोर्ट से प्रॉब्लम है ये बात पॉलिटिकल है ही नहीं प्लीज के फायदा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि ये जुडिशरी पर प्रश्न लगा रहे हैं वही जुडिशरी जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज किया था या वही जुडिशरी जिसमें आपने सारी चीजों का मैनिपुलेट की सुपर सीड करा के किसी और को आपने चीफ जस्टिस बनाया आपने कोर्ट के साथ आज तक क्या किया यह छुपा नहीं है इसीलिए आज इनको शक हो रहा है जुडिशरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है विश्वास रखिए अपनी बात में जुडिशरी पे विश्वास रखें और यह सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी आपका सर आरोप प्लीज अभी हमारे माननीय वकील साहब कह रहे हैं इंदिरा गांधी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कोर्ट का मिसयूज किया तो भाई आज कोर्ट का मिसयूज क्यों नहीं हो सकता बताइए और दूसरी बात यह है ये चौर चोर मोसेरे भाई ये कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं यही इन दोनों की मिली भगत है ये आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं आवाम मांग रही है आपसे जवाब रोजगार का आवाम मांग रही है बेरोजगारी का जवाब नौजवान तड़प रहे हैं नौजवान चाहते हैं चिदंबरम का जो तुम तमाशा कर रहे हो ये तमाशा हमारे सामने मत करो हमें बताओ कि हमें रोजगार कम मिलेगा हमें बताओ ये जो बेरोजगारी हो रही है कब दूर करोगे हमें इस बात का जवाब दो ये बातें करके गुमराह मत करो ये सब मिले हुए लोग हैं सर आई विल गिव यू चांस सर आई एम कमिंग सर ये जो कोर्ट में सारा मामला चल रहा है तो सबसे पहले देखो आपके जो करप्शन के सारे जो इश्यूज हैं जो भी भारत में गरीबी है जो भारत में बेरोजगारी है उसके सबसे जड़ में ये करप्शन है ये नेताओं का करप्शन था ये जिसको मोदी सरकार एक एक करके सारे करप्ट को अब ढूंढ रही है और खोज खोज कर उसको लाने के लिए कर रही है और उसी से आज इस कांग्रेस के लोगों को जिनके पिछले सालों के जो भी करप्शन के इश्यूज हैं एक एक करके उठ रहे हैं और उस पर ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये बात जब शुरू होगी तो बहुत दूर तक जा रही है और एक एक कर बहुत सारे लोग आएंगे हाशमी जी के दुविधा को मैं और दूर करना चाहता हूँ और जो भी दर्शक हैं दीपक जी बात पूरी करने दें आपकी बड़ी बुरी आदत है आपकी बहुत बुरी आदत है आप प्लीज प्रतीक जी ऐसा है
कि कांग्रेस पार्टी ने, मैं वकील हूँ, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि मैं समझता हूँ राजनीति हो क्या रही है। यहाँ खड़े जितने लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जुडिशियरी का ही नहीं, पार्लियामेंट का भी दुरुपयोग किया है। केशवानंद भारती केस के बारे में लोग पढ़ लेंगे जाके, उन्हें समझ में आएगा। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने संविधान के अंदर अमेंडमेंट लाई, और यह अमेंडमेंट था कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, यह अमेंडमेंट था कि वह अनलिमिटेड अमेंडमेंट्स ला सकते हैं और जुडिशरी उसका अवलोकन नहीं कर सकती। इससे बड़ा भी कुछ गलत हो सकता है क्या? जुडिशरी नहीं हाशमी जी, पार्लियामेंट का भी दुरुपयोग हुआ है। और प्रतीक, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ राजनीति और पॉलिटिक्स और जुडिशरी को मिक्स किया जा रहा है। जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जुडिशरी एक अलग सिस्टम है, राजनीति क्या वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से इलेक्ट होके आए हैं, तो बिल्कुल सरासर बेकार की बात है। जो असली बात है, मुद्दे पे आते हैं कि क्या रोजगारी की समस्या इस समय मैं अपने भाजपा के साथियों को, अगर मैं ये कहूं कि आज जो देश का हाल है, अगर बेरोजगारी है, जो स्लो डाउन है, अगर उसके पीछे पुराने घोटाले जिम्मेवार हैं, तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी बात कि सरकार को चाहिए क्या इस टाइम, अगर सरकार चिंतित है, पहली बात सरकार ये स्वीकार करे कि हाँ इस समय स्लो डाउन है, वो ओपनली इसको स्वीकार करे। दूसरा, उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बात की पूरी एक सूची जारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि खाली चिंतन किया जाए। देश का नौजवान इस समय रोजगारी से परेशान है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लोगों की इनकम गिर रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि सरकार की मंशा गलत नहीं है, वो संभाल पाएंगे एक क्वार्टर में, दो क्वार्टर में। इस समय जरूरत है कंजम्पशन बढ़ाने की, लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं बाजार से, ना गाड़ियां बिक रही हैं, ना एसी बिक रहे हैं, ना टीवी बिक रहे हैं। मैंने कहा वो चाय में जो बिस्किट डाला जाता है बिक रहा है, वहां पे छोड़िए शैंपू और साबुन तक कम बिक रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी प्रतीक, उसमें लिखा था अंडर गारमेंट्स तक कम बिक रहे हैं। ऐसी जरूरत की चीजें जो कि आम रोज की चीजें, वो भी कम बिक रही है। सरकार को इस समय चाहिए, मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहूंगा, भाजपा के साथियों को सुना करूंगा, यासिर भाई को, मनोज भाई को, कि सरकार अगर इस समय कंजम्पशन पे जोर नहीं देगी, कि लोग अगर सामान खरीदने नहीं जाएंगे, तो रोजगारी नहीं होगी। परंतु मैं ये सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो देश की हालत है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 70 साल में जो घोटाले यहाँ पर हुए हैं, आज देश को इस मुकाम पे लाकर छोड़ दिया है। अगर देश ईमानदारी से चलाया जा रहा होता उस समय से आज तक, आज हमें ये दिन कहा कि लोगों ने कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन है, उसका असर है। देखिए, भारत 132 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ अपने आप में एक दुनिया है। भारत माना विदेशी इकोनॉमी पर निर्भर है, परंतु 132 करोड़ लोग काफी है इस देश में अपने आप को संभालने के लिए। हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, हम खुद को संभाल सकते हैं, बिल्कुल संभाल सकते हैं। सरकारों की मंशा ठीक होनी चाहिए। पिछले सत्तर साल में 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के हैं और 6 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के भी हैं, उनको भी गिन लीजिए, वो भी करप्ट है। बाल्की, आपने कहा, मैं बता रहा हूँ, अगर कहोगे तो बाल्की काल, अगर सच बात कहोगे तो 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के करप्ट। मैं साल गिन के बोलूँ क्या? मैं सालों को, अच्छा चलिए मैंने घटा दिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। मतलब मैं पूछूं अगर तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे रुक गए? महाराष्ट्र से आए, नागपुर से। नागपुर से कुछ कहना चाहते हैं जो बहस का हिस्सा है, जुड़ना चाहते हैं बहस पे? बहस तो कुछ बेरोजगारी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बहस फालतू बातों में चल रही है। बहस फालतू, सुनिए मनोज जी, बहस जो है फालतू बातों पर चल रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोला जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोला जाए जी, ऑफकोर्स आपका चर्चा होगी। लेट हिम स्पीक जी। पवन भाई, देखिए ऐसा प्रतीक जी, जितना बड़ा देश हमारा है और जितने संसाधन हमारे पास हैं, हम लोग हो सकता है ये मान सकते हैं कि संक्रमण काल के अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं, और इसके पीछे जो कारण कई बताए जा रहे हैं, घोटाले और ये सब भी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 70 वर्षों में क्या हमारे समाज में किसी सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि सरकार से लेकर के निचले घर तक जो फिजूल खर्ची हम लोगों ने बढ़ाई है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा? एमपीस को, एमएलएस को, सब लोगों को जो पेंशन जाती है वो हम ही लोगों के ऊपर, सारे समाज के ऊपर उसका असर पड़ता है। क्या कभी इस बात पर निर्णय लिया जाएगा?
कि जिस प्रकार से विदेश यात्राएं होती हैं अफसरों की, जिस प्रकार से बाकी यात्राएं होती हैं, ये बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और सबसे जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को रोजगार परक बनाना पड़ेगा। आज का नवयुवक जो परेशान है वो इसलिए परेशान है, उसने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि ग्रेजुएट करने के बाद या इंजीनियरिंग करने के बाद उसको क्या करना है, तो उसकी चिंता उसको स्वयं को भी करनी पड़ेगी और फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिजूल खर्ची पर कंट्रोल, सवाल ये है कि जिया कैसे जाए, ये बड़ा सवाल है। तो फिजूल खर्ची आई कहाँ से? क्या नाम है बाबू? कल मैं वहाँ का रहे थे, आज सद्दाम नाम है। कल का रहे थे ना, मोदी पर कोई भी आरोप बताइए, मोदी पर कोई भी आरोप, तीन आरोप बताएंगे। कहे थे बंगाल की रैली में 40 विधायक टच में है, आप उस विधायक को कहाँ से खरीदिएगा, पैसे से कहाँ? 24 घंटा राजनीति बात, वो कह रहे हैं बेरोजगारी, उसमें बात करो 24 घंटा। मैं आ रहा हूँ प्रतीक जी, हमारा 132 करोड़ का देश है, स्वाभाविक रूप से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है और रहेगी। लेकिन सरकार की अनेकों पॉलिसियां आ रही है जो कि मतलब ईमानदारी से सरकार इंप्लीमेंट करना चाह रही है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो मोदी जी इसको दूर करने की कोशिश कर रही है। अब आए भ्रष्टाचार का सवाल, स्लो डाउन है, एक दो क्वार्टर में जैसे उन्होंने कहा, एक दो क्वार्टर में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं एक दो क्वार्टर में सुधार होता है। वर्ल्ड वाइड हमारी परचेजिंग पावर डाउन हुई है, इससे कंजम्पशन डाउन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं पैसा ही नहीं कमाऊंगा तो परचेज कहां करने जाऊंगा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है। दूसरा चिदंबरम का, कांग्रेस ने 10 साल होलसेल में भ्रष्टाचार किया, आपके सामने रिटेल में आया है। अब चिदंबरम जी 15 दफा जमानत लाएंगे और उसको ट्विस्ट करते रहेंगे किसों को, चिदंबरम जी जैसे अनेक, देखो राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, मोतीलाल वोरा बेल पे, रामचंद्र हुड्डा बेल पे, आप कितने, अभी तो आपके सामने कुछ आया ही नहीं है, इनका ऐसी पिक्चर आएगी लोग नफरत करने लग जाएंगे इनसे, मतलब जो ना भ्रष्टाचारी है। सद्दाम साहब है बगल में, सद्दाम है लाल किला में, कहते हम टेंशन पालते नहीं, टेंशन टालते हैं। आप 5,000 लेकर चले जाइए, आपको जान को खतरा है क्या? दुकान में कोई जा रहा है आपको सामान खरीदने आ रहा है, लूटने आ रहा है, ये क्या बात मतलब है? ठीक है सद्दाम, देखिए अगर अंकल बोलेंगे तो सद्दाम भी बोलेंगे, अपनी बात रखने का पूरा हक है, पूरा बिल्कुल। सर एंटी एरो का जो 8 बिलियन का स्कैम है उसके बारे में क्या कहना है इनका? एंटी एरो का 2011 में जो स्कैम हुआ था 8 बिलियन का, उसके बारे में क्या कहना है? जब तक वो स्कैम की वसूली नहीं होगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? जी ठीक है। मोदी जी ने अभी जो भी कुछ किया, 6 साल हो गए, 6 साल में ये महिला आपके सामने खड़ी है, बीजेपी पे भी और मोदी जी के चेहरे पे भी कालत पोक रही है, एक तालीम के लिए अपने बच्चों की यहाँ खड़ी होकर रो रही है। जबकि अगर 6 साल पहले आप देखो तो ये महिला 15,000 रुपए लोगों के घरों में पहुंचा मार के कमा सकती थी, आज आपने इनसे कहा इसको ले जाओ, इन्होंने मना कर दिया। पिछली बार आपके बिना कहे ये ले गए थे, वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों के पास, एक बात कह रहा हूँ, वजह क्या? वजह यह कि लोगों के पास काम नहीं है, जो मजदूर से कराते थे वो खुद कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, इन्होंने बात कही कि वो कर दो, क्या कह रहे थे आप अभी, के फजूल खर्ची बंद कर दो। अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं, हफ्ते में जितना कमाते हैं सारा उड़ा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तरक्की कर रहे हैं। जनसंख्या की बात करते हो, चाइना की सबसे ज्यादा, ऐसा करिए एक काम करिए, सुनो, क्या नाम हो गया जनाब? मेरा नाम इनायत खान। इनायत खान साहब, हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तनख्वाह से और अमेरिका भेजेंगे आपको। नहीं रुकिए, अरे रुको, और इनायत भाई अरे महा झूठा होंगे लेकिन इस मामले में नहीं है, भी झूठा बोलते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हो, नोट बंद करते हैं, आपसे फिट करते हो आपका ये। अरे इनायत भाई जरा सी बात में, अरे सुन लो मेरे भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप भेज ही नहीं सकते, सुनो मेरी बात, मैं आपकी बात सुनूं, आप भेज नहीं सकते, मैं सुनो, आप नहीं भेज सकते ना, एक मिनट प्लीज लो, आपके पास पैसा नहीं है, देश के पास पैसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, इनायत खान साहब जी बोलिए, मैं तो नहीं भेज सकता, ये बात सच है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम सुनने का भी मादा रखो ना, कि सब बोलने का ही है, एक बार मौका मिला ना, सुनो ना, हम सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और तुमको अमेरिका भेजेंगे और वहाँ हफ्ता भर रुक के आ जाना, हालत पता चल जाएगी ट्रंप की भी और अमेरिका की भी। आपको भाई साहब को बता दूं, पहली बार इन्होंने दो बातें कही, अमेरिका में ये हाल है उसकी, इनायत सुनो,
उसकी चाइना से झगड़ा इसी वजह से है क्योंकि चाइना से वहाँ सस्ता सामान आता है और वहाँ लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और भाई साहब जहाँ तक आपने नौकरी की बात करी, मेरे सर आंखों पर प्रतीक, अमेरिका का नहीं है, सवाल हमारे मुल्क का है। प्रतीक भाई यहाँ लेके आते हैं, कोई दुखी है, लोगों का मंच है, अगर कोई भी व्यक्ति सामने आके किसी की मदद करता है मैं सोचता हूँ उसका स्वागत करा जाना चाहिए, कोई ना करने की बात। भाई साहब आप अमेरिका के समर्थक हैं तो आप ट्रंप को वोट दे देना ना अगली बार। ठीक है ठीक है, सुनो इनायत हो गया, अरे हो गया। प्रतीक जी देखिए, बोलोगे नहीं क्या? वापस मुद्दे पे आते हैं हम, ये इधर उधर भटकाने की बातें नहीं करते। जो देश में घोटाले होते हैं मैं कहता हूं कि उनको जरूर पकड़ना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए, लेकिन आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो लोग घोटाले करते हैं वो घोटाले का पैसा कहाँ गया, उनसे वो पैसा रिकवर होना चाहिए। आप उनको छोड़ दो, उनको बोलो कि जो तुमने घोटाला किया है वो पैसा ट्रेजरी में जमा करा दो। प्रतीक भाई ये भारत की जनता जानती है किसने घोटाले किए, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला किसके कान में हुआ है? कांग्रेस। तो बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी कर रहे देश को सबल बनाना चाहते हैं, जनता का विश्वास है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या चोरों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या चोरों को जेल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? तो वही काम मोदी कहा, उन्होंने कहा कि चोरों को भेजिए, लेकिन असली मुद्दे पर नजर रखिए। असली मुद्दों पर नजर है, नरेंद्र मोदी जी अपने, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, सबको रोजगार देना है, निश्चित रूप से मुद्दों पर नजर है। और देश की जनता जानती है कि देश सबल हाथों में है। देखिए हो गया, देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया झूठ इन्होंने बोला, 2G 3G घोटाला, कोयला घोटाला, सब कोर्ट ने बरी कर दिया है, कोर्ट ने सबने खारिज कर दिया है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, इनका सबसे पहला बड़ा झूठ, सबसे पहला। जमानत पर भी क्यों छूटे हैं, जब कह रहे हैं कोई घोटाला ही नहीं था तो जमानत पर कहां से आ गए जनाब? सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तानियों को कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों सुन लो, हिंदुस्तान में एक चाय वाला आया है जिसने रईसों की बोलती बंद कर दी है, जिन्होंने देश को लूटा था आज वो चाय वाला उनको लूट रहा है, इसलिए इनको ये शहजादों तुम्हारी सरकार अब नहीं बनने वाली है, रेड़ी वाला, पटरी वाला, चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन शहजादे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, देश को कमजोर करने वाले। इस सरकार ने क्या किया है, अमीर और गरीब में खाई बांट दिया सरकार ने। अगर आप जो इंडस्ट्री लिए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप कट डाउन करोगे तो बेरोजगारी पैदा होगी। भाजपा ने 27,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा किया है, आप जवाब देंगे क्या? 27,000 करोड़ रुपए कहां से? देश को अपनी जागीर समझ लिया था इन्होंने, देश को जागीर समझ लिया था। 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह नाम कहा, आपके पास आया तो मुझे लगा कि मामला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। बिल्कुल सर, ये जो सारे लोग जो भी मुद्दे से भटक जाते हैं, हम बात को, आप बात कुछ और करते हैं और ये जवाब कुछ और देते हैं, ठीक है ना? बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही है, जो 70 साल से जो भी सरकार रही है उन्होंने क्या किया, अभी 5 साल हमारे मोदी जी को आते हुए हैं, तो कितना समय देना चाहते हो तुम? 70 साल उनको दिया और 5 साल मोदी जी को दिया, तो आप बताइए किसको ज्यादा देना चाहिए? 70 साल ज्यादा रही ना कांग्रेस की सरकार रही है, अभी सरकार जो आई है क्या अमिताभ, कोई डेवलपमेंट है ब्रेकिंग न्यूज की 26 अगस्त तक उनको रिमांड में चिदम्बरम साहब को साहब ने कह दिया है, 26 तारीख तक रिमांड, 26 अगस्त तक रिमांड, 26 बड़ी खबर ये आती हुई कि 26 अगस्त तक रिमांड पर जज साहब ने अभी ऐलान कर दिया, वहां पर घोषणा कर दी अपने फैसले को। तो जी, तो बड़ी खबर ये कि 26 अगस्त तक रिमांड पर जज ने दे दिया। जी सवाल ये, नो 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 नो, डू नॉट मेक इट पॉलिटिकल, नो नो नो,